अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों, आज अपने चैप्टर नंबर 3 हिंदी में क्या निराश हुआ जाए आधा बाकी था उसकी शुरुआत करते हैं। तो करते हैं शुरुआत। एक बार में रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। कौन लेखक है वो क्या कहते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने की थी, 10 रुपये की जगह 100 के नोट दे दिया और जल्दी जल्दी आकर बैठ गए। फिर देखते थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। और लेखक एक बार टिकट लेने गए थे, खरीदते समय टिकट बाबू को 10 रुपये की जगह 100 रुपये दे दिया, मतलब 10 रुपये काट के 90 रुपये उनको रिटर्न देना था। लेकिन टिकट बाबू ईमानदार था, उसने रेल के डिब्बे में लेखक को खोज कर उन्हें 90 रुपये लौटा कर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। मतलब कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो पैसे रिटर्न नहीं देते। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे, मतलब लेखक। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे हो गए, बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। मतलब आप अपने परिवार के साथ बस जरा यात्रा कर रहे थे, रात को जंगल में गुजरते समय बस ख़राब हो गई थी, बस कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया, बस यात्री ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालने लगे, वे उसे मारने के लिए तैयार हो गए। लेखक ने किसी तरह समझा बुझा कर उन्हें रोका था। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला में ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कोई ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, तो जंगल में रहते थे तो उनको डर जम गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ कर मारने पोटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारे गए। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने के तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले डाको के वहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए, मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। मतलब लेखक उनका परिचय दे रहे, लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह बैर कर रख दिया। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसी समय क्या देखता हो कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वो बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया, यात्रियों में फिर जान आई, सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग उस अड्डे पर पहुंच गए। मतलब बेचारा वो ड्राइवर वो कंडक्टर था, वो दूसरी बस लेने गया था, पर लेकिन बस के यात्रियों ने उसे इल्ज़ाम लगाया था कि वो डाकुओं के घर डाकुओं को बुलाने गया था, पर वो दूसरी बस लेने गया था। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएँ हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक बताते हैं, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों में विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है।
केवल उन्हीं के बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को धादम दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। समझ में आया कि ऐसे प्रभु के पास क्या मांगते थे? किसी शक्ति, हिम्मत। मनुष्य की बनाई विधियों गलत नतीजे तक पहुँच रही है, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुत आए दिन उन्हें बदलना ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा है कि ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक अपना परिचय इस पाठ में देते हैं, उनसे जो घटना बनी है उनका परिचय भी दिया है और उससे इंसान की परिचित का बात क्या है कि विश्वासघात और धोखेबाजी किस तरह होती है और किस तरह इंसान को ठगित किया जाता है। तो इधर अपना पाठ खत्म होता है। इस पाठ के सवाल जवाब तुम्हें नोट में लिखने का है।